जी का बच्चा ही फौजी बनेगा, पुलिस का बच्चा वाले का ही बच्चा फौजी बनेगा, इन लीडरों का बच्चा कोई फौजी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। उस फौजी को ये चार साल में रिटायर कर रहे हैं, बाप की रिटायरमेंट बाद में और बेटी की रिटायरमेंट पहले होगी। ये डिजिटल इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल, ये डिजिटल इंडिया। और उसको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो नेता है, एमएलए जो एमपी है, इनकी पांच पांच पेंशनें चल रही है, वो नहीं कोई काटेगा। वो पांच की पांच इनको मिलनी चाहिए। जो पांच बार एमएलए हारा है उसको पांच बार की पेंशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो आर्मी वाला है, जो फौजी भाई है, वो देश के लिए लड़ेगा, उसकी पेंशन बिल्कुल बंद, बिल्कुल ठीक है, उसको उसको कोई पेंशन नहीं होगी, और चार साल उसकी नौकरी होगी। उसका बाप बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले रिटायर होगा। ये डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल इंडिया। अब इससे पहले हमारे गाँव में पानी की पाइपें लगी हुई थी, कांग्रेस के टाइम में भी लगी थी, सरकारी थी, लेकिन कोई बिल नहीं आ रहा था। दो से एक छह महीने के बाद आप देखना कि पानी का बिल हर एक घर वाले को देना पड़ेगा, हर एक घर में पानी का बिल भरना पड़ेगा, जैसा बिजली का बिल भर। आप ढक्कर वालों को क्या पानी के बिल की जरूरत है? आपके घरों से पानी निकलता, उसका आप बिल दोगे? ये बीजेपी के डिजिटल इंडिया है, इसको डिजिटल इंडिया कह रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में कहीं में आप पूरी बनी ब्लॉक में शायद हमारा पानी का बिल किसी को नहीं आता था, लेकिन ये बीजेपी की सरकार अगर एक बार फिर आएगी तो हर एक घर वाले को, जिसके घर के साथ पानी है, उसको भी बिजली पानी का बिल देना पड़ेगा। और बिजली बिजली मैडम जी एक बहुत जरूरी बात है, जैसे कि सैन जी ने कहा है, बहुत ही जरूरी बात है। और जैसे हमारे डुगण में पावर हाउस बना तो हमें बोला कि आपकी 24 आवर बिजली रहेगी, लेकिन डुगण में पावर हाउस बनने के बावजूद हमें क्या होता है कि हमारी लाइट शाम को 8:30 बजे हर रोज जाती है। पूछ सकते हो आप इन लोगों से, इधर भी जाती है, सिर्फ बाड़ी से लेकर ढग्गर तक जो लाइट है ये 8:30 बजे जाएगी और 1 घंटे के बाद आएगी। हम देखते हैं, पहले हम कभी हमारे लाइट नहीं होती थी तो हम दलौची को देखते थे तो हमें लगता था कि हमारी लाइट है। आज हम देखते हैं, हम डुगन से देखते हैं कि बाड़ी में लाइट है। हमारे घर में 1.5 घंटा लाइट कट होता है शाम को, ये कट बहुत गलत है। और बिजली का बिल जो है हर आदमी का 150-200 से ऊपर आ रहा है। ये बिल जो है इनको कम होना चाहिए, जो जेन्युइन बिल है वो होना चाहिए। मतलब ऐसे नॉर्मल 113 रुपये है जो अगर सही है, एक मतलब एक जो सिक्योरिटी के मुताबिक जो है, लेकिन हमारे गरीब लोगों का 400-400 भी आ रहा है यहाँ पे। और जो लाइट हमें खाने के वक्त नहीं मिलती, हमें 11 बजे के बाद लाइट की क्या जरूरत है? कट पूरा शाम को हमारे, जब से ये पावर हाउस बना, इस पावर हाउस की बहुत ही जो यहाँ पे मुलाजिम है इनको सुधरना चाहिए, नहीं तो किसी दिन ये पावर हाउस पे लाख लगेगा। जैसे कि हमने उधर स्टोर को लगाया था, ये मैं पक्का लगा दूंगा 4-5 दिन में। ये इसके लिए मैं आपके माध्यम से और आप भी मीडिया और हमारे मीडिया पर्सन जो है वो बिजली डिपार्टमेंट को जागरूक कर रहे हैं कि जो हमारा शाम का कट जो है वो बंद होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं हुआ तो डुगन पावर हाउस कभी भी बंद हो सकता है। ये 5-7 दिन में मैं चैलेंज दे रहा हूँ इनको बिजली डिपार्टमेंट। जय हिंद, जय भारत। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आज मेरा भी डाकघर में दौरा रहा, और एक मैं सियासत की तरफ से और एक सामाजिक कारकुन मान के चलो, लाइट की मैंने खासा हाल देखी इस पार्ट पर डाकघर में। इस पर बारिश हो रही है, कपड़ों की हाल देखिए, आज भी बरसात का मौसम तेज़ है, डाकघर के लोग बड़े परेशान हैं। इससे पहले भी बड़े सारी एक दुर्घटना इन इलाकों में घटी हैं, इसलिए वन इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट से भरपूर अपील है, अगर लकड़ी के पोल जिन जिन इलाकों के अंदर है कि सारी इसका एक सर्वा बढ़ाया जाए, फिर डिपार्टमेंट के वाला अफिसरों को भेजा जाए इलाके के अंदर, और जिन इलाकों में इस किस्म के लकड़ी के पोल, जैसे अभी आपने ढगड़ की हालत देखी है, पीडी डिपार्टमेंट के आला अफिसरों से अपील है कि लोहे के पोल लगाए जाएँ ताकि लोगों की जिंदगी को बचाया जाए। शुक्रिया।